हाय फ्रेंड, वाई टी यानी एट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए, मैं आज आपको पाउचे की मोरी बनाना सिखाऊंगी कि पाउचे की मोरी कैसे बनाई जाती है। तो ये देखिएगा मैं कैसे बनाने जा रही हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड, मैं पाउचे की मोरी के लिए यहाँ पे रखा 1 इंच का गैप दिया, यहाँ से बिल्कुल सीधा। ये देखिए, ये मैंने लाइन लगा दी है और अब मैंने यहाँ पे रखा, और ये देख रहे हैं आप, मैं एक लाइन यहाँ से लगाऊंगी। जितनी यहाँ पे हमने 1 इंच का गैप दिया था उतना ही यहाँ पर देंगे। ये देखिएगा, मैंने दोनों साइड एक एक लाइन लगा के इसमें ये बना दिया है। और हम अब फिर यहाँ जितना यहाँ से 1 इंच का गैप दिया था उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे, और इस साइड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक पंजे की और एक एक लाइन और बनाएंगे इसके अंदर। ये देखिएगा फ्रेंड, मैंने दोनों साइड दो दो लाइनिंग खींच ली हैं। अब हम इसके जो अंदर का डिजाइन होता है वो बनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। जैसे हमारी मशीन तो बिल्कुल सीधी चलेगी, लेकिन जो हमारा कपड़ा है उसको ऐसे ऐसे हमें हिलाना पड़ेगा। ये देखिए कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, ये देखिए मैंने इन दोनों लाइनों में से ये कर दिया है, और अब मैं इन दोनों लाइनों में भी ऐसा ही बनाऊंगी। ये देखिएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बना दिया है। और अब जो बीच में बचा हुआ कपड़ा है ये वाला, इसके ऊपर आप अपनी सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए कैसे। हाँ जी, ये देखिएगा, अब मैं यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा है इसके बीच में बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी मेरे को ऐसा ही बनाना है। ये जो लाइन हमारी, इस लाइन के बिल्कुल साथ में टच होके जाना चाहिए, ना कि यहाँ बीच की साइड में आना चाहिए। बिल्कुल ये वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल साथ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए मैंने इस लाइन के बिल्कुल साथ से ऐसा ही बनाया है। अब इस साइड भी मैं इसके साथ में ऐसा ही डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से ये बना दिए हैं इनके अंदर भी, और अब ये जो बीच का बचा हुआ है हिस्सा, इसके अंदर हम अब बनाएंगे। देखिए ऐसे देखिए, यहाँ तक टच किया, फिर कैसे यहाँ घुमा दिया, फिर यहाँ किया, फिर इसको यहाँ से फिर घुमा दिया। ये देखिए ऐसे बना दिया है। अब यहाँ से ये देखिए, जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही अब हम यहाँ से जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर लेके आएंगे इसको यहाँ, और अब इसको इस साइड घुमा देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे ही हम पूरे पाउचे में ये डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बन गया है ये वाला। अब हम इसी के अंदर से एक लाइन और ऐसे बना देंगे इसी के अंदर से। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पाउचे की मोहरी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा कितना अच्छा लुक आया हुआ है पाउचे का। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।